तो इस व्लॉग की शुरुआत होती है बेसिकली चलते चलते, वो इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा रीज़न आगे बता रही हूँ। पढ़ने के लिए जा रहे हैं यार, कसम से लेट हो गए थे घर वालों का। आज तो खुद करो और मैं रिक्शे का किराया बचाने के लिए यहाँ पे खुद आई हूँ। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग। बेसिकली उस दिन भी मेरा मोबाइल छिड़ने वाला था, तो इसलिए मैंने देख भाल के मेरा इस फुटपाथ पर रह के ही हूँ। इधर स्कूल भी है हमारे बैच में। अब चूँकि एक बात कवर कर चुकी हूँ तो दूसरे में बताती चलूँ कि भाई यूनिवर्सिटी में होता है एक छोटा सा हमारे साथ प्यारा सा सीन, और वो छोटा प्यारा और मासूम सा सीन ये था कि मोहम्मद एक साहब आते हैं हमारे बैंक अल हबीब की प्रमोशन के लिए, मगर तारीफ़ करके जाते हैं मीज़ान बैंक की, और इनकी शक्ल अभी आपको नज़र आ रही है। जी ये थे हमारे सर तंजील, ये सर तंजील ऑन ट्रू वन के हमारे टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आई रेकमेंड यू ऑल के इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करना, यानी कि इनसे सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, इन्होंने ऑन ट्रू वन में हमें काफ़ी वो चीज़ें बता दी जो ऑन ट्रू टू के पार्ट थे, यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद के स्टॉल वगैरह लगवाना और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, बंदा चिल बहुत है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और क्या कह सकती हूँ, माहौल चिल ही रखते हैं, काम के वक्त काम और मजाक के वक्त मजाक, और कभी कभार दोनों एक साथ। अब ये मेरी एक और सिनेमैटिक मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी लगी। तो जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी क्लास की ज़रूर 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 डालती रहती हूँ पिक्चर्स। हाँ, क्योंकि सर जुनेद की एक ही क्लास होती है तो उनके थोड़े से कम आते हैं, और फिजिकल मतलब ऑनलाइन उनकी ज़्यादा होती है। तो ये हमारे ग्रुपमेट्स हैं, इनकी मैं प्रॉपर पिक्चर वगैरह जल्द ही अपलोड कर दूँगी। अपलोड करने से मुराद ये कि नेक्स्ट ब्लॉग में चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँगी कि अब नेक्स्ट कोई भी सर तंजील से पढ़े तो उसे मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब हम आ गए हैं अपनी सड़क पे वापस। यस, मेरे 3 राउंड पड़े थे बेसिकली। यार ये बेचारी बच्ची जो है थोड़ी सी डर रही थी बिल्ली से, ठीक है, तो फिर मैंने इसकी पिक्चर ले ली। मैं इसका फेस हाइड कर चुकी हूँ। हम बात करते हैं इन पिक्चर्स की। तो कल के दिन मेरी खुआरी लग गई थी, मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, इसलिए क्योंकि मुझे मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी उससे किनारे। उसका रीज़न ये था कि भाई कल के दिन जो है छुट्टी थी, ठीक है, और इन्होंने मैसेज नहीं दिया और मैं चली गई क्लास लेने के लिए। सही, कहीं ग्रुप में कोई बात बात नहीं हो रही, मैं भी चल, वो सब भी चल, और हम पहुंच गए। बाकी लोग लड़कियाँ बैठी हुई थी जिनकी शायद क्लास थी, और उनके साथ भी यही प्रैंक कर दिया। अच्छा, हमारे कैंपस में बहुत होता है, इससे पहले भी इस तरह का बहुत हो चुका है। अब तो पहले ये होता था घर में आते ही जलील होती थी, और अब जो है नहीं हुई थी। चैनल सब्सक्राइब करने वालों को मेरी तरफ से ये तब तभी मुबारक। गुड न्यूज़ ये है कि अब अम्मी बिल्कुल कैंसर फ्री हैं, बट 5 साल तक अभी अम्मी के पेट स्कैन और चेकअप वगैरह रहेगा कैंसर के हवाले।